पहले तो जानना चाहूँगा, काफ़ी आप क्लोज थे उनके, उस समय भी काफ़ी आप क्लोज थे, अब क्या कुछ हुआ, कुछ डिटेल में आप बता सकते हैं? 7:20 सुबह का वक्त था और मैं अपने यहाँ से यहाँ रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हम साथ में उतरे और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया और मुझे दिख के उसने, वो मेरे पास भागा भागा आया और मेरे पास भागा भाग के आके बोला, भाई चलो यार टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते। मैं बोला, यार तू आज कैसे आ गया, क्योंकि यूजली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था। तो बोला, नहीं यार आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ। तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में। हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से थे तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे। तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है, मैंने बोला तेरा क्या हो रहा है। अभी सब बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही कि उसने, वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था, मैं उसके पीछे खड़ा था और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी। उसने पूरी 6 बॉलें डाल के जब वो घुमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी, वो टोपी लेने जब मेरे पास आया तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ और वो सडनली कोलैप्स होते 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 मेरे पैर पे आके गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, संभाला और मैंने उसको देखा तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ, या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा। और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हंसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा, मेरे हाथ पैर एकदम नम हो गए थे। और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए, वो डायल करिए, ये डायल करिए, वो डायल करिए। उतने में मैंने बोला गाड़ी निकालो और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए तो हॉस्पिटल में उसको डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर। एंड वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में, बिकॉज एक दोस्त है आपका और आप एक दोस्त को खो देते हो, लेकिन जब आप उस दोस्त को आप अपने हाथ में खोते हो तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे, मीडिया वाले फ़ोन करते रहते, पूछते रहते हो बार बार, वो चीज़ दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बहुत 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 बड़ा एक दिल में ना होल कर गया है मेरे। एक होता है कि आप एक चीज़ को, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसका बच्चा है मीत और मैं उसको गोद में, हम जब भी शाम में वो आता था वॉक करता था, या सुबह 12 या 1 बजे जब उसकी शूट लेट होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, तो बच्चे को गार्डन में लेके आता था, तो गोद में मैं उसके बच्चे को लेके हम खेलते थे, हम लोग, मैं यहाँ पे बिठा देता था, चाचू बुलवाता था वो। और मैं कंपोज़र हूँ तो उसके बच्चे को गाने का बहुत शौक था, वो अभी से आ करता रहता था, तो मुझे बोलता था, भाई मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को सिंगर बनाऊँ, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा। सारी चीज़ें अभी बस रह गई है और बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मीत के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और मैं कर लूँगा तो मेरे दोस्त को मेरी एक प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी। एंड तो दीपेश जहाँ भी है बस खुश रहे, एंड ये लॉस हम बहुत टाइम लगेगा आपको कोप अप होने में। एंड मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप जो लोग, कुछ लोग हैं जो रॉन्ग रूमर्स फैला रहे कि वो जिम कर रहा था, वो बाजू की बिल्डिंग के बच्चों के साथ जाके खेल रहा है, ये सब ना करिए, क्योंकि वो आपको जब पता नहीं तो आप प्लीज़ ये ना बोलिए। ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नॉलेज थी कि उसको अपनी बॉडी को कितना एग्जर्ट करना है। वो सुबह उठा, उसने आके चुपचाप आके वो अपना खेलने आ रहा था हमारे साथ, कोई उसने जिम नहीं करी, कोई उसने वो पड़ोस की बिल्डिंगों में जाके उसने कोई उछल कूद नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रा सेंसिटिव रहिए और ये सब चीज़ों का, ऐसा गलत चीज़ों को नहीं फैलाइए। थैंक यू।